जय श्री महाकाल, जय श्री राम। समस्त शिव प्रेमियों को, समस्त धर्म प्रेमियों को इस दास की ओर से प्यार भरी जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष भोले बाबा के एक और गन के साथ, तो आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये है हमारे भारत का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे हिसाब से पूरा मोहल्ला जो है वो यहाँ पे इकट्ठा है, और अखनूर से एटलीस्ट भी 24-25 किलोमीटर बाहर आकर ये रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये किसने देखा था सबसे पहले? तो जियाला जी, आप जरा इधर आइए, मैं आप लोगों को उनसे मिलवा दूं जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है, मेरे भाई जियालाल जी ने। जियालाल जी इस साइड आओ। जियालाल जी ने, जियालाल जी धन्यवादी हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है और इस पर्यावरण प्रेमी जीव की जान बचाने का बीड़ा उठाया है। तो ये किसने देखा था सबसे पहले? सुबह हमको देखा। आपने भी देखा था? तो और किसने देखा है? घर वालों ने देखा। अच्छा, तो ये अभी सुबह ही देखा है मतलब। तो एक बार फिर से आपको दिखा दूं कि ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो है वो 40 मिनट का समय जो है वो इंसान को देता है, और आप लोगों को कुछ करना नहीं है। अगर कोई मिसहैपनिंग, अगर किसी को कोई सांप काट लेता है तो आप लोगों को सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई बीड़ा नहीं। तो देखिए, जहरीला सांप जो है उसके सामने कोई भी झाड़ फूक जो है वो नहीं चलता। तो आप लोगों को बता दूं कि मेरे साथ मेरे भाई राहुल सोरी यहाँ पे मौजूद हैं। जय श्री राम जी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यहाँ पे इनके रूम में घुस आए हैं। तो यूट्यूब वगैरह पर चाड़ने दें, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो है वो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सांप का सबसे पहला काम जो है, जब हम सांप को रेस्क्यू करते हैं तो सांप का सबसे पहला काम जो है वो भागना है। तो सांप जो है इनको बोलो चिप कर। तो देखिए, सांप जो है वो इंसान से डरता है। ये हमारी इंडिया भारत की फिल्मों का कमाल है कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि सांप जो है वो इंसान के पीछे भागता है, बट सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं होता। सांप जो है वो खुद एक डरपोक जीव है, और इसी वजह से सांप जो है, सांप का पहला काम जो है वो भागना है। तो आप ये देखिए, अब जब हम यहाँ पे इसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, ये छिपने की या भागने की कोशिश करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे कमरे में मेंढक है, चूहे आते होंगे, और इसी वजह से सांप जो है हमारे घरों में घुस आता है। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि सांप को पकड़ना हमारे लिए आधे मिनट का काम है। तो ये आसान तरीका है हमारे लिए सांप पैक करना, हमारे लिए सांप पकड़ना आधे मिनट का काम है। बट आप लोगों के दर्शनार्थी ये सांप फिर से बाहर। लिखिले बाहर लिखना ये सारे, चलो फिर पकड़े फोन अपना खोला है। यहाँ पे बड़ा बुरा परिवार है, और खासकर पूरे मोहल्ले के लिए एक आफत जो है वो बन चुका है ये सांप। तो ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि 40 मिनट का समय जो है वो इंसान को देता है। आप लोगों को जारफू के चक्कर में ना पड़कर सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है अगर किसी को कोई सांप काट लेता है। तो देखिए, हमारे घरों में अनाज होता है, और चूहा हमारे घरों में अनाज के पीछे घुस आता है, और ये सांप जो है वो एक शुद्ध मांसाहारी जीव है। तो
सांप जो है वो चूहे के पीछे पीछे हमारे घरों में घुस आता है। पापी पेट का सवाल है, ये भी अपना पेट भरने के लिए ही हमारे घरों में घुसता है। तो देखिए इसका रेस्क्यू जो है हमारे लिए एक आसान सी बात है। ये देखिए, तो सांप को पकड़ना और सांप का रेस्क्यू करना हमारे लिए आधे मिनट का काम है। बट ये जो हमारी वीडियोस बनती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए और आप लोगों को सांपों के बारे में जानकारी देने के लिए है। देखिए हमारे रीजन में सिर्फ तीन ही सांप जहरीले हैं, इंडियन रसल्स वाइपर, इंडियन कॉमन क्रैथ और कोबरा। इसके अलावा 10-11 प्रजातियां जो हमारे रीजन में पाई जाती हैं वो टोटली नॉन वेनमस होती हैं, उनमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता। तो हमें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनके बारे में सिर्फ अवेयर होने की ज़रूरत है। देखिए मैं धन्यवादी हूँ अपने छोटे भाई राहुल सोढ़ी जी का, जो हमेशा तत्पर रहते हैं इन पर्यावरण प्रेमी जीवों की जान बचाने के लिए और मेरे साथ हमेशा दौड़ पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं कहीं भी अगर हमें पता चलता है कि कहीं सांप है। तो एक बार फिर से पूरा कैमरा जो है वो इन लोगों की तरफ दिखा दीजिए कि एक डर का माहौल जो है वो पूरे गाँव में मवा में है। और अखनूर से 25 किलोमीटर आकर इस सांप का रेस्क्यू करना और इसकी जान बचाना एक दिल को सुख का एहसास देता है, खुशी होती है कि हम एटलीस्ट एक जान बचाने में कामयाब हुए हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आज्ञा लेता हूं, पर मेरा संदेश वही है कि अपने अपने घरों में साफ सफाई रखें, ब्लैक फिनाइल का उपयोग करें, बच्चों को अवेयर करें और अगर कोई मिसहैपनिंग सांप के कारण से होती है तो आप लोगों को सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आज्ञा लेते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे बोले बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। राहुल जी आपका बहुत धन्यवाद है जो इसकी आपने जान बचा दी है, ठीक है। और हमारी गांव पे आप आ गए, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जियालाल जी, मेरा परम कर्तव्य है इन पर्यावरण प्रेमी जीवों की जान बचाना, तो आपने अगर कॉल की है तो मैं यहाँ अखनूर से 25 किलोमीटर आया हूँ और खुशी इस बात की है कि इस सांप को बिना कोई नुकसान पहुँचाए हम रेस्क्यू कर पाए हैं। तो आपका भी धन्यवाद हूँ कि आपने भी हमें यहाँ पे बुलाया है।